हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस होम थिएटर का जो सैटेलाइट स्पीकर है उसको हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो स्पीकर है, एक 3 इंच साइज का होता है, तो ये दोनों में ही पेपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे पेपर जहाँ पे लगा हुआ रहता है और जहाँ पे ऊपर रहता है, वो दोनों का जो बॉडी साइज है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। एक का हाइट कम होता है, एक का हाइट ज़्यादा होता है। तो जिस जगह पर यहाँ पे जो पेपर लगा हुआ रहता है वहाँ पे पेपर लगाने से ही अच्छा चलता है। और एक चीज, जिस स्पीकर पर पेपर लगा हुआ रहता है उसका जो साउंड है उसका लाउडनेस ज़्यादा होता है, और जिस पे ऊपर रहता है उस पे थोड़ा सा बेस आता है। तो आपका अगर ज़रूरत बेस है तो उस केस में आप ऊपर लगाइए। वैसे इस जगह पर भी ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे जो फिटिंग्स है वो अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन साइज सेम है, ऊपर का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाइट होता है और जो नॉर्मल जो पेपर होता है उसका हाइट कम होता है। तो यहाँ पे दो स्पीकर है, एक का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, एक का कम है, लेकिन दोनों में ही हम पेपर लगाएंगे। तो ये और एक चीज़, यहाँ पे जो कॉयल साइज है वो बहुत तरीके का होता है। ऐसा नहीं कि 8 इंचेस का 20 वाट 12 वाट एक ही साइज का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका कॉयल का साइज यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता है और एक ही दिखने में है। जैसा कि यहाँ पे ज़्यादातर जो कॉयल है वो इस 4 इंच 3 इंच और 2 इंच पे भी लगता है। तो ये जो कॉयल है ये बहुत तरीके का होता है, तो इस कॉयल को आपको देख के लेना होगा और यहाँ पे अच्छे से इसके अंदर घुस जाए वो भी देख के लेना होगा। लेकिन 19-20 का फर्क होता है, जिस कारण यहाँ पे नहीं सही से बैठता। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये है एक ऊपर पेपर। तो ऊपर पेपर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, इसका एक का जो हाइट है आप देखिए, यहाँ पे इसका हाइट कम है, ठीक है। तो इस पे हम ऊपर लगाने से लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। इसका जो स्पाइडर है वो बहुत नीचे चला जाता है। और यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है एक पेपर, इसका आप हाइट देख सकते हो काफी कम है, तो इसी कारण यहाँ पे पेपर सही से बैठेगा। वैसे ऊपर भी बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों ही, तो यहाँ पे हम पेपर ही लगाएंगे। वैसे ऊपर का जो ये देखिए, ये एक ऊपर के लिए यूज किया जा सकता है, इसका हाइट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस है, लगभग 2 सूद या फिर 3 सूद का डिफरेंस है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे स्पीकर का जो पेपर है वो चूज कर सकते हो। जिस पे पेपर है वहाँ पे पेपर लगे, जिस पे ऊपर है ऊपर लगे, यही सबसे बेहतर है। वैसे लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही पेपर लिया क्योंकि मेरा साउंड लाउड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पाइडर है, यहाँ पे भी स्पाइडर में भी बहुत सारा वेराइटीज होता है, लेकिन मैं ये जो स्पाइडर है ये 4 इंच के लिए स्पाइडर है। तो इस स्पाइडर को हम थोड़ा सा काट के यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे ये लाउडनेस के लिए है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये अगर बहुत ज़्यादा बेस के लिए होता तब दिक्कत आता, लेकिन छोटा स्पीकर है तो हम यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ कि इतना ज़्यादा वेराइटीज कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज अगर आप खरीद के रखोगे तो आपका भी प्रॉब्लम होगा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। तो इसीलिए जो ज़्यादातर मॉडिफिकेशन है थोड़ा बहुत यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉयल का जो पोजीशन है वो कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा ही निकलने चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा निकलना चाहिए। और इसका जो लीड है वो आपको सही दिशा में रखना है, जो इसका वायर निकल रहा है वो आपको जहाँ पे यहाँ पे स्पीकर का कनेक्टर है वहाँ पे आपको रखना है। और ये जो ऊपर है आप देख सकते हो, ये जो स्पीकर है इसका बॉडी एकदम कवर है, पीछे का हिस्सा कवर है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल जैसा स्पीकर आप रिपेयर करते हो वैसा आप रिपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे इस ऊपर को रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज करना होगा। वैसे ऐसा रिपेयर ट्विटर में होता है, ठीक है, जो ट्विटर होता है उस पर होता है, लेकिन ट्विटर जैसा यहाँ पे रिपेयर करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये ट्विटर से ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। तो इसीलिए वाइब्रेट अगर ज़्यादा करेगा, यहाँ पे ट्विटर का अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसका रिपेयरिंग प्रोसेस अलग होता है। और यहाँ पे मैं लीड लगाऊंगा, ट्विटर पे कोई लीड नहीं लगता है, पतला वायर डायरेक्ट
इसका कनेक्टर पर जाता है। तो इसलिए आपको ट्विटर के लिए मैं अलग बना दूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज करके यहाँ पे पहले से लीड लगा लिया, उसके बाद मैं इसका स्पाइडर लगाऊंगा और जो इंड पर मैं इसका अंदर का मैं लीड लगा लिया, ठीक है। बाद में मैं यहाँ पे बाहर से इसका जो भी वायर कनेक्शन है कॉयल से मैं कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं दो तरीके का ग्लू यूज कर रहा हूँ, डेंड्राइट और क्विक फिक्स। डेंड्राइट बेसिकली मेटल के साथ लगेगा और कॉयल जो है कॉयल और पेपर वहां पे क्विक फिक्स लगेगा। दोनों का जो काम करने का तरीका और दोनों का स्ट्रेंथ अलग होता है, दोनों ग्लू अलग टाइप का होता है, तो इसलिए जिस जगह पर जिसको लगाना चाहिए वही लगाना होगा। यहाँ पे मैं क्विक फिक्स लगा रहा हूँ, कॉयल के साइड पे क्विक फिक्स और मेटल में डेंड्राइट। वैसे इस जगह पर आप दूसरा ग्लू भी यूज कर सकते हो, लेकिन उनमें क्या होगा कि एक तो ज्यादा खर्च हो सकता है जो कि एरोलाइड होता है जो सेकेंड ऑप्शन, बाकी ऐसा मार्केट पर ग्लू नहीं है जो कि इस स्पीकर को रिपेयर कर सकते। बेसिकली जो क्विक फिक्स है वो एकदम हार्ड हो जाता है, वो एकदम मूवमेंट नहीं होगा, और जो डेंड्राइट होता है वो थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, वो थोड़ा सा जो रावट टाइप है वो ऐसा हो जाता है, और क्विक फिक्स एकदम हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आप उस हिसाब से जो ग्लू आप चाहो वो चूज कर सकते, लेकिन वो जो ग्लू है वो वैसा होना चाहिए जो कि डेंड्राइट और क्विक फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका बॉर्डर पर भी यहाँ पे डेंड्राइट से लगा लिया। तो यहाँ पे जो लीड है मैं इसका पहले लगा लिया, लेकिन इनमें हमको पहले नहीं लगाना है क्योंकि मैं इसको बाहर से लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, स्पीकर रिपेयर करना काफी आसान होता है, कॉयल का पोजिशन दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो उफर और जो पेपर है दोनों का ही कॉयल का पोजिशन सेम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको साउंड में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि छोटा स्पीकर है तो इस पे ज्यादा लाउडनेस ही आएगा, यहाँ पे बेस उतना ज्यादा तो नहीं रहेगा, तो इसलिए ज्यादा कॉयल का पोजिशन, और कॉयल तो एकदम पतला ही होता है, उसका हाइट ज्यादा नहीं होता, तो आप बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं रख सकते। बाहर रखने से फायदा होता है कि थोड़ा सा ज्यादा बेस आता है, लेकिन क्योंकि कॉयल का साइज कम है, कॉयल का जो थिकनेस है वो कम है, तो इसलिए ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर ही आपको रखना पड़ेगा और थोड़ा सा बाहर, ठीक है, मिडिल पोजीशन पर आपको रखना होगा। तो यहाँ पे मैं इसका भी जो ग्लू है मैंने लगा लिया और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। तो ये काफी आसान चीज है, और एक चीज, सभी कॉयल आप पहले टेस्ट कर लीजिए, पहले टेस्ट करने से जो कॉयल होता है वो आपका सही है कि नहीं आपको पता चल जाएगा, और बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि कॉयल मैंने लगा लिया और देखा कॉयल पहले से ही कटा हुआ है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह देता हूँ, कॉयल भी खराब होता है, नया कॉयल भी खराब होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पर क्विक फिक्स लगा लिया 24 hours later। तो उसके बाद इसका जो भी यहाँ पे मैंने फिल्म वगैरह लगाया था उसको आपको खोल देना है, तो इसको खोल के हम यहाँ पे जो लीड है वो जोड़ेंगे, ठीक है। तो लीड जोड़ना काफी आसान है, पहले तो आप इसका जो भी कोटिंग है उसको आप थोड़ा सा मैचिस से जला दीजिए तो एक कोटिंग हट जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लीड लगा सकता हूँ। तो पहले वाला का तो लीड मैंने लगा लिया, तो ये दूसरा वाला है तो इस पे लीड लगाना बाकी था। तो यहाँ पे सिंपली आप इसके ऊपर टर्न कर दीजिए और उसके बाद शोल्डर करना है, ज्यादा कुछ तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस है। स्पीकर रिपेयर करना काफी आसान होता है, थोड़ा सा आप स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ग्लू चूज अगर आप गलत करेंगे स्पीकर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप डेंड्राइट के जगह अगर क्विक फिक्स लगाएंगे और क्विक फिक्स के जगह आप डेंड्राइट लगाएंगे तो वो स्पीकर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पीकर का लेड मैं यहाँ पे इसका लगा लिया, दोनों का ही प्रोसेस सेम है, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं उठाने दूंगा, दोनों का ही प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से लगा लूंगा बाद में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से सोल्डर करके इसका जो
ऊपर का हिस्सा है, मैं इसको दबा देता हूँ, तो इससे क्या होगा, जो स्पीकर है, जो इसका लीड है, वो अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगा। दोनों में आप क्विक फिक्स लगा दीजिए, जो यहाँ पे लीड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो स्पीकर है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी डस्ट कैप लगाना बाकी है। तो डस्ट कैप आप डेंड्राइट से लगाइए, वैसे ये प्लास्टिक डस्ट कैप है, यहाँ पे आप जो कागज का डस्ट कैप है वो भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। प्लास्टिक उतना मैं बढ़िया नहीं कहूँगा, क्योंकि ये चीप होता है, तो ये काफी आसानी से मिल जाता है और अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप साउंड देख सकते हो, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक डीजे टावर है उसका है, सिंगल डीजे, यहाँ पे दोनों स्पीकर के लिए दोनों अलग आईसी लगा हुआ है, काफी लाउडनेस से बजता है, तो ये इसलिए ज्यादातर खराब होता है, और यहाँ पे पेपर लगा हुआ है तो इसलिए इसका साउंड भी ज्यादा है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।